नागौर जिले के आकला गांव में एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई, जबकि एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है। दरअसल आकला गांव में एक मिनी ट्रांसफार्मर पर लगे बिजली का तार अचानक टूट गया, जहां करीब दो दर्जन लोग इसकी चपेट में आए हैं। एक युवक की मौके पर मौत हो गई है और एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है। हादसे की जानकारी लगते ही तहसीलदार मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों को 5 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने का आश्वासन दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दर्जियां ग्राम और सुनारा ग्राम बीच में 35 ग्राम में कंट आयो और मेन रोड और तार टूट गो कंबेर मातो और दो तो एक खत्म होगा, एक घायल है और 10 जना रहे कंट आई गयो सब मार पर बच्ची रायो कर ममता और आकलम में किता दर्जियां रायो छेलाराम दर्जी रहे और गजराज दर्जी रहे बहुर आयो और सवार पड़ोसियान आयो ब्राह्मण आयो दर्जी गांव आगला। हमारे पूरे कॉलोनी में करंट आया और बिजली घर का करंट से तार टूटा था। एक बच्ची गंभीर घायल है, एक ऑन स्पॉट खत्म हो गया। प्रशासन की लापरवाही से सारा काम हुआ है।